तो मास्क की सबसे बड़ा हथियार है, इसलिए मास्क जरूर पहनिए। बड़ी खबर के साथ शुरुआत कर लेते हैं। बड़ी खबर आ रही है जम्मू कश्मीर से। वहां 15 अगस्त से पहले आतंकी एक बार फिर सक्रिय दिख रहे हैं। एक दिन पहले राजौरी में एक बीजेपी नेता पर आतंकियों ने ग्रेनेड से हमला किया। इस हमले में एक बच्चे की मौत हो गई जबकि कई लोग घायल हो गए। जबकि अनंतनाग में आतंकियों ने बीएसएफ के काफिले पर हमला किया और जवाबी कार्रवाई में सुरक्षा बल के जवानों ने एक आतंकी को ढेर कर दिया। वहीं 15 अगस्त के मौके पर आतंकी बड़े हमले की साजिश में जुटे हैं। खबर है कि पुंछ और राजौरी में बड़े हमले की साजिश रची जा रही है और इस हमले को अंजाम तक पहुंचाने के लिए भारी मात्रा में हथियार पहुंचाने की भी खबर है। सबसे पहले बात राजौरी की कर लेते हैं। वहां बीजेपी नेता पर हुए ग्रेनेड हमले की, वहां एक दिन पहले बीजेपी नेता पर हुए हमले में एक बच्चे की मौत हो गई जबकि दो लोगों की हालत गंभीर बताई गई। हालात उस वक्त और बिगड़ गए जब घायलों को अस्पताल ले जाया गया। वहां डॉक्टर नहीं होने से लोग नाराज हो गए जिसके बाद लोगों ने जमकर हंगामा किया और अस्पताल प्रशासन के विरोध में नारेबाजी की। इस दौरान वहां काफी देर तक हंगामा चलता रहा। ग्रेनेड हमले के बाद पूरे इलाके को सुरक्षा बल के जवानों ने घेर लिया और आतंकियों की तलाश तेज कर दी जबकि मौके पर कई बड़े अधिकारी पहुंचे और हमले की जानकारी दी। सिक्योरिटी फोर्सेस ने पूरे एरिया को घेर लिया है उस आतंकी को पकड़ने के लिए जिसने कल रात ये ग्रेनेड हमला किया इस घर पे। जसबीर सिंह जो बीजेपी के मंडल प्रेसिडेंट है उनका घर है यहाँ पर। ये वो जगह है जहाँ पर ग्रेनेड जो है वो आके जिसका विस्फोट हुआ। आप देख सकते हैं कि किस तरह का गड्ढा यहाँ पर हुआ है। यहाँ पर प्रशासन का कहना है कि 7 लोग इस ग्रेनेड हमले में जख्मी हुए जिसमें एक बच्चे की मौत हो चुकी है। बाकी लोग अपनी जो जान के लिए संघर्ष कर रहे हैं, अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। आप देख सकते हैं कि प्रशासन जो है, यहाँ के डिप्टी कमिश्नर जो हैं इस एरिया के, वो भी यहाँ पर आए हुए हैं, फैमिली से बात कर रहे हैं। पुलिस के आला अधिकारी भी यहाँ मौजूद हैं। पुलिस का ये दावा है कि वो जल्दी ही इस केस को क्रैक कर देंगे। पवन हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। पवन, क्या जानकारी मिल रही है, ये हमला कब हुआ, कितने लोग घायल बताए गए? देखिए, कल शाम को लगभग 9:45 के करीब जो वो खबर आई थी कि वहां पर हमला हुआ और परिवार के लोगों का कहना है कि वो सभी लोग घर के आंगन में बैठे हुए थे और रात को एक ग्रेनेड जो है वो थ्रो किया गया एक छत के ऊपर से और जिसमें परिवार के 6 लोग जो हैं वो घायल हुए थे जिसमें एक बच्चा छोटा जो 2.5 साल का है वीर सिंह, उसकी मौत हो चुकी है। बाकी जो घर के लोग हैं उनको हॉस्पिटल में एडमिट किया गया, वहां पर उनका इलाज चल रहा है। DC रजौरी और DIG रजौरी पुंछ रेंज, SSP रजौरी खुद मौके पर बैठे हुए हैं और पूरे इलाके को घेरा गया है। जो आतंकी जिसने ये वारदात की है उसके लिए पूरी तरफ से सेना और पुलिस की टीमें जो हैं आसपास के इलाकों में सर्च कर रही हैं। कुछ इनपुट्स भी सुरक्षा एजेंसियों को मिल चुके हैं कि आखिर ये आतंकी कौन था और किस इलाके से आया था। तो वहीं इस हमले के बाद जब लोग हॉस्पिटल पहुंचे हैं तो काफी हंगामा वहां पर हुआ क्योंकि वहां पर डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं थे और जो इंजर्ड थे उनको देखने वाला कोई नहीं था, तो लोगों ने जमकर हंगामा किया था। और अभी आज रजौरी पूरा बंद है इसी घटना के विरोध। शुक्रिया पवन। वही हमले के बारे में बीजेपी नेता जसवीर सिंह के पिता ने इस पूरे हमले के बारे में न्यूज 18 से बात की। ईश्वर सिंह जी के पिताजी से बात करते हैं। सर, आप बताएंगे क्या हुआ कल रात को? कल रात को 7:30 बजे हमने 7 बजे दुकानें बंद की, 10-20 मिनट यहाँ का शानो शौकत वेलफेयर में ऐसे थोड़ा मनोरंजन देखा, लाइट में थोड़ा अपने आप को विश्राम किया, रिटर्न बैक टू रेजिडेंसी में आए। आने के बाद कपड़े कुपड़े हमने बदली किए, मुँह हाथ धोया और फिर इस जगह पर जहाँ पे ये ग्रेनेड फटा है, इधर बनाइए, जहाँ से ग्रेनेड थ्रो किया गया, जहाँ ये जो ग्रेनेड थ्रो किया गया यहाँ पर ही हमारा लड़का, हमारी बीवी यहाँ पर बच्चे को खिला रही थी। छोटा बच्चा जो डेथ हुआ है वो हमारे पास उधर था, रोट खाना खा रहा था, उसके साथ साथ हमारे बच्चों को ग्रेनेड थ्रो, हमारे 15-20 फुट की दूरी से, 10 मीटर की दूरी से ग्रेनेड थ्रो किया गया है। उसको बताने वाले लोग ही हैं, पुलिस वाले वहां पर खड़े थे। इस हमले के बाद इलाके के बीजेपी नेताओं में भी नाराजगी दिखी और इस हमले को आतंकियों की घिनौनी हरकत बताया। बोली घिनौनी और कायराना हरकत है, ये बात बीजेपी या किसी और पॉलिटिकल पार्टी से नहीं है, ये तो इंसानियत पे हमला है। और 2 वर्ष के छोटे बच्चे की जान को जिस तरीके से ये कायराना हरकत की है, ये पाकिस्तानी अपनी हरकतों से बाज आ जाए,
यकीनन खास करके हमारा जम्मू खिता हमेशा से ही आपस में सौहार्द को बनाने में माना जाना रहा है और सिक्योरिटी एजेंसीज अपना काम बेहतरीन तरीके से करना जानती भी हैं। और जिस तरीके से 30 वर्ष की आग आप बुझती हुई दिख रही है, ये पाकिस्तानी स्पॉन्सर्ड एजेंट्स जो जम्मू या कश्मीर में कहीं पर भी होंगे, ये बख्शे नहीं जाएंगे किसी भी तरीके से। बीजेपी नेता पर हुए इस हमले के विरोध में राजौरी के कुछ लोगों ने सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया। नाराज लोगों ने सड़क पर गाड़ी के टायर रखकर उसमें आग लगा दी और आतंकियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की, जबकि लोगों के हंगामे को देखते हुए सुरक्षा बल के जवान चप्पे चप्पे पर तैनात दिखे। तो दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, नाराज लोगों ने जमकर प्रदर्शन किया। हमले के बाद फिलहाल इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। तो बीजेपी नेता पर हुए इस हमले के विरोध में राजौरी की तस्वीर, जहां कुछ लोगों ने सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया, नाराज लोगों ने सड़क पर गाड़ी के टायर रखकर उसमें आग लगा दी, आतंकियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग भी इसी के साथ की, जबकि लोगों के हंगामे को देखते हुए सुरक्षा बल के जो जवान है वो चप्पे चप्पे पर नजर आए। और इसी बीच एक बड़ी खबर अमृतसर से, अमृतसर में हैंड ग्रेनेड मिला है, पुलिस को ये हैंड ग्रेनेड मिला। न्यूज 18 के राजीव शर्मा की खबर है और ये खबर अमृतसर से आपको बता दें, जहां पर हैंड ग्रेनेड मिलने की खबर सामने आई है। पुलिस को ये हैंड ग्रेनेड मिला, किसने रखा, क्या स्थिति में मिला, ये फिलहाल अभी साफ नहीं है, लेकिन बड़ी खबर ये कि अमृतसर में हैंड ग्रेनेड मिला और इसको सीधे तौर पर 15 अगस्त के दिन से जोड़कर देखा जा रहा है कि क्या किसी तरीके की साजिश आतंकियों के द्वारा रची जा रही थी क्या। राजीव हमारे साथ जुड़ चुके हैं अपडेट के साथ। राजीव जी देखिए, सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि अमृतसर का रंजीत एवेन्यू इलाका है और डी ब्लॉक के एक घर के बाहर ग्रेनेड जो है वो मिला है। तो पुलिस की टीम है मौके पर मौजूद है और इस बॉम्ब को डिफ्यूज करने की जो है वो कार्रवाई अभी शुरू कर दी जाएगी थोड़ी देर बाद। लेकिन सबसे पहले ये जानकारी मैं देना चाहता हूँ कि सुबह इस इलाके में जो सफाई कर्मचारी आते हैं उनकी तरफ से पुलिस को ये जानकारी दी गई कि कुछ बम नुमा चीज जो है वो वहाँ पर नजर आई। मौके पर संबंधित पुलिस स्टेशन है, वो वहाँ के SHO और बाकी जो पुलिस टीम है वो यहाँ पहुंची। उसके बाद सीनियर अधिकारियों को इसकी सूचना दी गई और बाद में तुरंत जो बम निरोधक दस्ता है पंजाब पुलिस का वो भी यहाँ पर पहुंचा हुआ है और आसपास के इलाके की भी सर्च की जा रही है कि कहीं और कोई ऐसी चीज यहाँ पर मौजूद तो नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी हैरानी की बात है कि अमृतसर का ये पॉश इलाका है और वहाँ पर इस तरीके से ग्रेनेड मिलना कहीं ना कहीं एक बड़ी चिंता की बात भी है। क्योंकि दूसरी तरफ 15 अगस्त को जो कार्यक्रम है राज्यसर का, तो उसमें पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह भी पहुंच रहे हैं, तो उसको लेकर अमृतसर में जो पुलिस की बात करें सुरक्षा तो वो पहले से ही बढ़ाई गई थी। लेकिन इस तरीके से मुख्यमंत्री के कार्यक्रम से पहले अमृतसर में, क्योंकि कुछ दिन पहले जो सीमावर्ती क्षेत्र हैं वहां पर भी कुछ सामग्री मिली थी, एक टिफिन बॉम्ब मिला था, इसके बारे में DGP ने खुद जानकारी दी थी। तो आज इस तरीके से अमृतसर के एक पॉश इलाके में हैंड ग्रेनेड मिलना ये कहीं ना कहीं चिंता की बात जरूर है। लेकिन पुलिस अधिकारी का कहना है कि हम इसकी जांच में जुट गए हैं और जल्द ये पता लगाने की कोशिश की जाएगी कि आखिरकार ये ग्रेनेड यहां पर कैसे पहुंचा। जी राजीव, यानी देखिए बम निरोधक दस्ता वहां पर पहुंच चुका है, सीधी तस्वीरें भी अमृतसर से ही हम दिखा रहे हैं कि वहां पर किस तरीके से इस वक्त स्थिति बनी हुई है। ये जरा बताइए कि ये एक ही हैंड ग्रेनेड था? जी हाँ, फिलहाल यही बताया जा रहा है कि एक ही हैंड ग्रेनेड है और आप देख सकते हैं जो लाइव तस्वीरें इस समय, तो उनको कुछ रेत की जो बोरियां हैं उसके साथ फिलहाल ढका है और जो पुलिस के जवान हैं वो देख सकते हैं कि वो सर्च भी कर रहे हैं आसपास का, क्योंकि जिस घर के बाहर ये मिला है उस घर के आसपास की जो है वो तलाशी ली जा रही है, सर्च की जा रही है कि कहीं और कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है। लेकिन फिलहाल एक ही ग्रेनेड के होने की बात जो है वो पुलिस अधिकारियों की तरफ से उसकी पुष्टि की गई है। जी शुक्रिया राजीव, आप नजर बनाए रखिए। उधर जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में भी सुरक्षा बल और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई, इसमें एक आतंकी ढेर कर दिया गया, जबकि सुरक्षा बल के जवानों ने और आतंकियों के छिपे होने की जानकारी मिलने के बाद इलाके में तलाशी अभियान चलाया। बताया गया कि वहां से BSF का एक काफिला गुजर रहा था और पहले से छिपे आतंकियों ने इस काफिले को अपना निशाना बनाने की कोशिश की, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई में एक आतंकी ढेर हो गया। कन्वे आ रही थी, एक बड़ा सा जो बिल्डिंग है वहां से दो टेररिस्ट अंधाधुंध फायरिंग शुरू किया, उसमें हमारा कोई इंजर्ड नहीं हुआ,
सिक्योरिटी फोर्स ने इसको पूरा घेर लिया, इनकाउंटर जारी हुआ। रात में जीओसी विक्टर फोर्स, मैं खुद वहां मॉनिटर किया, हम लोग रॉकेट लॉन्चर यूज किए, मिलिटेंट को रात में न्यूट्रलाइज कर लिए। क्योंकि रात में सर्च करना मुश्किल था, तो आज मॉर्निंग में जब सर्च किया गया तो एक पाकिस्तानी टेररी जो उस्मान कहा जाता है, पिछले 6 महीना से एक्टिव था, उसका डेड बॉडी मिला है। और वहाँ से बहुत सारे सामान मिला, AK-47 मैगजीन, ग्रेनेड, RPG-7 का जो रॉकेट लॉन्चर ग्रेनेड मिला है। और ये इंसिडेंट शो करता है कि कितना बड़ा हादसा करने वाला था। रिफत अब्दुल्ला हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। रिफत, कितने आतंकी बताए जा रहे हैं जो इलाके में हो सकते हैं, क्या ये सर्च ऑपरेशन अभी भी चल रहा है? देखिए अर्पिता, जिस तरीके से IGP ने कहा कि 2 मिलिटेंट थे लेकिन उसमें से एक की बॉडी मिली है, उसका मतलब है कि एक वहां स्पॉट से भाग निकलने में कामयाब हो गया। क्योंकि जब ये अटैक हुआ कल, BSF की कॉन्वाई जा रही थी और मिलिटेंटों ने अटैक किया और उसके फौरन बाद जो है कॉर्डन सर्च ऑपरेशन लॉन्च किया गया। जो अटैक जिन मिलिटेंटों ने किया है उनकी संख्या 2 बताई जा रही है, लेकिन उसके बाद जब घेरा गया मिलिटेंटों को, तो पहले पुलिस ने यह कहा कि 2 मिलिटेंटों को घेरा गया है और 4 मंजिला एक बिल्डिंग थी, उसी में वो घुसे थे। लेकिन रात भर ये एनकाउंटर चला, जिस तरीके से IGP ने भी कहा कि वहां पे रॉकेट का भी इस्तेमाल किया, ग्रेनेड्स का इस्तेमाल किया गया और उस बिल्डिंग में फिर आग लगी। और उसके बाद जो सर्च ऑपरेशन किया गया, मलबा हटाया गया, उसमें काफी सारा सामान जो है रिकवर हुआ है और एक मिलिटेंट की बॉडी जो है रिकवर हुई है। उसका मतलब है कि एक मिलिटेंट जो है वहां स्पॉट से भाग निकलने में कामयाब हो गया। लेकिन पूरे एरिया में अभी भी सर्च ऑपरेशन चल रहा है, क्योंकि 15 अगस्त के सिलसिले में जो है यहां पे लगातार सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। आर्मी, CRPF, पुलिस, BSF जितने भी सुरक्षा एजेंसीज हैं उनको चौकन्ना कर दिया गया है और वो अभी अलर्ट हैं और सर्च ऑपरेशन अलग अलग जगहों पे वैसे भी चल रहा है। लेकिन ये जो घटना की बात है, वहाँ पे फिलहाल एक मिलिटेंट मारा गया है और एक मिलिटेंट भाग निकलने में कामयाब हो गया। और पुलिस का कहना है, खासतौर से IGP ने जो मीडिया से बात करते हुए कहा कि वहाँ पे RPG मिले हैं, यानी कि रॉकेट प्रोपेलेंट गन, और उसके ग्रेनेड्स भी मिले हैं, यानी कि बड़ी मात्रा में जो है सामान बरामद होने का मतलब ये है कि कोई बड़ी घटना घटनी थी या बड़ा हमला होने वाला था, जिसको फिलहाल टाल दिया गया, जो पुलिस का कहना है। पुलिस का यही कहना है कि फिलहाल इस हमले को टाला गया है और एक मिलिटेंट के बॉडी जो है वो रिकवर हुई है, और IGP का कहना है कि वो पाकिस्तानी है। उधर जम्मू कश्मीर से एक और बड़ी खबर आ रही है, वहां 15 अगस्त के मौके पर आतंकी बड़े हमले की साजिश रच रहे हैं। न्यूज 18 के नीतीश कुमार की खबर, आतंकी पुंछ, राजौरी और सुंदरबनी, ये वो इलाके हैं जहां पर बड़े हमले करने की साजिश रच रहे हैं। और खबर ये है कि सीमा पार से हथियारों का एक बड़ा जखीरा पुंछ के गंगरिया गांव पहुंचा और इन हथियारों को घने जंगलों में छिपाकर रखा गया था। तो बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से, नीतीश हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। नीतीश, किस तरीके की साजिश थी, क्या जानकारी मिल पा रही? देखिए, जो लगातार 15 अगस्त को लेकर आतंकी हमले के इनपुट्स आ रहे हैं पिछले कई दिनों से, और अभी जो ताजा इनपुट जो आया है अर्पिता, वो हथियारों के जखीरे का LOC से पार करके पुंछ के इलाके में आने का की खबर मिली है। और ये 11 अगस्त को दोपहर के 3 बजे के करीब ये हथियारों का जखीरा पुंछ के गांगरिया गांव पहुंचा और गांगरिया के जंगलों में इसको छिपाकर, घने जंगल हैं उसको वहां पर छिपाकर रखा गया है। ये लारोन करके एक इलाका है, उसके पुलिस स्टेशन है, उसके अंडर में आता है ये। जाहिर तौर से पुंछ, राजौरी और सुंदरबनी इलाके में 15 अगस्त के मौके पर बड़े आतंकी हमले की साजिश के मकसद से इन हथियार, आर्म्स एंड एम्युनिशंस को सरहद पार से लाया गया है और आतंकी किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में है। अर्पिता, शुक्रिया नीतीश। उधर राज्यसभा में 11 अगस्त को OBC बिल पर हुई चर्चा के दौरान हंगामे पर बड़ी खबर आ रही है। न्यूज 18 के विक्रांत यादव की खबर है कि राज्यसभा सचिवालय की ओर से रिपोर्ट तैयार किया गया और इसमें TMC सांसद डोला सेन, कांग्रेस सांसद फूलो देवी नेताम, छाया देवी और एलामारन करीम पर राज्यसभा में मार्शलों के साथ बदसलूकी का आरोप है। मॉनसून सत्र के आखिरी दिन राज्यसभा में हुई मारपीट का एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें महिला सांसद मार्शलों के साथ बदसलूकी करती दिखी। दावा किया गया कि वीडियो में मार्शल से उलझती दिख रही दोनों महिला सांसद कांग्रेस की हैं, जिनमें एक ने मार्शल को अपनी ओर खींचा और दूसरी सांसद ने उसे हाथों से पकड़ लिया और जोर जोर से टक्कर मारने लगी। यही नहीं, वो मार्शल को खींचकर अपनी सीट की तरफ ले आई, लेकिन तभी एक दूसरी सांसद बीच में आ गई और उस मार्शल को छोड़ना पड़ा। तो ये बड़ी खबर, जिस तरीके की रिपोर्ट सामने आई है, कई गंभीर बातें इस रिपोर्ट में कही गई हैं। इस रिपोर्ट में जिक्र है कि किस तरीके के हालात उस वक्त बने थे। इस रिपोर्ट में साथ ही साथ ये भी जिक्र है कि बकायदा TMC की जो सांसद है डोला सेन, उन्होंने कपड़े का एक फंदा बनाया जो शांता छेत्री के गले में भी डाला। वहीं कांग्रेस सांसद फूलो देवी नेताम ने वहां पर पेपर फाड़े हैं।
अरुण सिंह हमारे साथ, हमारे सहयोगी दिल्ली से जुड़ चुके हैं। जरा अरुण बताइए, ये जो रिपोर्ट है इसमें क्या बातें कही गई? अगर हम इस पे नजर डालें तो कई गंभीर आरोप लग रहे हैं। कपड़े का फंदा डाला गया गले में, गले से मार्शलों को पकड़कर खींचा गया है, ये संसद की तस्वीर। देखिए आरोप यही लग रहे हैं, एक दिन पहले जिस दिन ये घटना हुई थी उसके एक दिन पहले इसी तरह का हंगामा संसद के अंदर हुआ था और तब तृणमूल कांग्रेस की जो महिला सांसद हैं इसी तरह से एक फंदा लेकर के सदन के बाहर आई थी। मीडिया के सामने उन्होंने कहा था कि ये सरकार लोकतंत्र को इस तरह से फांसी लगा रही है। वो एक डेमोन्स्ट्रेशन था, एक प्रदर्शन था, एक विरोध करने का उनका तरीका था। लेकिन क्या यही तरीका सदन के अंदर भी दोहराया गया? राज्यसभा सचिवालय के लोग ये कह रहे हैं कि यही तरीका सदन के अंदर भी दोहराया गया, यानी किसी महिला सांसद को जो दुपट्टे से या किसी अन्य साड़ी जैसी कोई चीज थी उससे एक फंदा बनाया गया था जिससे उनको घसीटने की कोशिश की गई। ये बेहद ही गंभीर आरोप है। निश्चित रूप से तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस की जो महिला सांसद हैं उनको इस बाबत सफाई देनी होगी। लेकिन अगर उनके पक्ष की बात करेंगे तो वो लोग इस पूरी घटना से इनकार कर रहे हैं। उनका ये कहना था कि महिला मार्शल ने उनके साथ ज्यादती की। ठीक है अरुण, मैं रोक रही हूँ आपको, जरा यतेंद्र भी इस बीच हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं। यतेंद्र, जो रिपोर्ट आई है इनमें किन किन सांसदों पर आरोप लगे? देखिए बिल्कुल, जब इंश्योरेंस बिल पर चर्चा हो रही थी तभी विपक्षी सांसद टेबल पर चढ़ गए, कागज फाड़कर चेयर की तरफ फेंकना शुरू कर दिया। उसमें जो नाम आया कल भी हमारे बीजेपी के जो राज्यसभा सांसद हैं विजयपाल तोमर, उनका सबसे पहला नाम था चर्चा में। उनका साफ तौर पर कहना था कि प्रताप सिंह बाजवा टेबल पर चढ़ गए, उन्होंने बदतमीजियां करना शुरू कर दिया, अभद्र व्यवहार शुरू कर दिया, मर्यादित व्यवहार जिसे कह सकते हैं संसदीय लोकतंत्र में वो उन्होंने शुरू किया। इसी तरह से आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह लगातार आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे, हालांकि उन्हें मार्शलों द्वारा रोका गया, लेकिन उनकी कोशिश थी कि कूद कर आगे आ जाएं। ये तस्वीरें भी साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरह से सांसद एक सांसद को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, उसको दूसरी तरफ कुदाने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसमें संजय सिंह का नाम आया। महिला सांसद जो डोला सेन है उनके ऊपर भी आरोप लगाया कि उन्होंने जो मार्शल है शांता छेत्री उसको फंदा लगाने की कोशिश की। बिल्कुल, यानी देखिए सत्र तो खत्म हुआ लेकिन अभी भी जो हंगामा है, सियासी महाभारत है, वो चलती हुई नजर आ रही। बकायदा देखिए राज्यसभा सचिवालय की एक रिपोर्ट आई, कई गंभीर बातें उसमें कही गई। बच्चों की मौत होने से हड़